हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट टेंथ जो कि सर्किल है वृत्त, उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जाना था कि वृत्त में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो इसमें भी जो चीजें कल इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखी हैं उसी से रिलेटेड चीजें इसमें फिल करनी है हमको। तो एक तरह से हम फिर से दोबारा उसको समझ लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये भी हम फुलफिल कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। कल जब मैंने आपको एक डायग्राम बना करके बताया था सर्किल का, तो सर्किल जो है मैंने बताया था कि जब प्रकार से प्रकार की नोक को हम जहां रखते हैं और उसको चारों तरफ घुमा देते हैं, तो इससे जो ये लाइन खींची हुई है, लाइन नहीं कहेंगे इसको, अब है तो सर्किल ही लेकिन इसको हम कहेंगे परिधि। इसको कह देते हैं परिधि। और जो वृत्त के अंदर यानी जहां पर प्रकार की नोक होती है उसी को हम कहते हैं केंद्र। तो ये हो जाता है वृत्त का केंद्र। अब चूंकि ये वृत्त का जो है अभ्यंतर इस भाग है और ये वृत्त का बहिर्भाग है और ये वृत्त पर है, तो कुछ चीजें जैसे अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ए की, पॉइंट ए कहां पर है तो वृत्त के अभ्यंतर है, पॉइंट बी कहां पर है वृत्त के बहिर्भाग में है और पॉइंट सी कहां पर है वृत्त पर है। ठीक, तो उसी तरह से केंद्र जो है वो वृत्त के अभ्यंतर में होता है। कहां होता है? अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा वाला इसमें जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। अब अगर हम कोई बिंदु ले लेते हैं और उसकी दूरी जो है वो वृत्त की त्रिज्या से अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे अब यहां से वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो त्रिज्या होती है, लेकिन हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक ले ली। ये वृत्त का केंद्र यही है लेकिन त्रिज्या से दूरी हमने यहां तक ले ली। ठीक, इस तरीके से। तो अब क्या हो गया कि जो बिंदु होगा वो कहां चलाएगा? वृत्त के बहिर्भाग में। कहां चलाएगा? बहिर्भाग। ठीक है, ये वृत्त के बाहर चला जाएगा। तीसरा वाला जो इसमें आ रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु। जैसे यहां हमने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है उसको वृत्त की जीवा कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो केंद्र से होकर के जाए। अब यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर बी है, यहां पर ओ है। क्यों? क्योंकि वृत्त का जो केंद्र होता है उसको हम ओ लिखते हैं। तो जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो होगी ए ओ बी और यही वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये बिल्कुल वृत्त के सेंटर से होकर जाती है इसीलिए सबसे बड़ी होती है, तो हम यहां पर लिख देंगे वृत्त का व्यास। ठीक है, तीसरा वाला, चौथा वाला जो कह रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अब देखिए यहां पर जब कल जो है चाप के बारे में मैंने बताया था, त्रिज्यखंड की बात करी थी, तो त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात हुई थी, वृत्तखंडों की भी बात हुई थी। तो यहां पर जो चाप है, अब यही वृत्त का व्यास भी है और चाप यहां से इधर से ऐसे जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर सी ले दे रहे हैं तो यहां जो चाप होगा ए सी बी होगा इधर से, और यहां पर हम डी पॉइंट ले ले रहे हैं तो यहां पर जो चाप होगा वो ए डी बी होगा इधर से। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों ही चाप जो है वो कहां से होकर के किसके सिरे हैं, ये व्यास के सिरे हैं, तो ये क्या कर रहा है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है और ये दोनों बराबर भाग कहलाएंगे अर्धवृत्त। तो हम यहां पर कह सकते हैं एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त होता है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है उसको, तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप, अब जैसे मान लीजिए ये वृत्तखंड है, ये वाला हिस्सा क्या है, वृत्तखंड है, ये भी हिस्सा क्या है, वृत्तखंड है। चूंकि ये दोनों बराबर हैं हम यहां से व्यास को हटा देते हैं। ठीक, और एक जीवा खींच देते हैं, इस तरह से हमने एक जीवा खींच दी, ये पॉइंट यहां पर दे देते हैं ए बी। अब ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, और ये लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो यहां पर जो कह रहा है वृत्तखंड एक चाप, अब यहां पर जो चाप है वो क्या है, ए सी बी, ये क्या है, चाप है
अब ये लघु वृत्तखंड है ये किनके बीच में है, एक तो चाप इधर से है और इधर क्या है जीवा है, ठीक। तो जीवा और चाप के बीच में ही क्या होता है वृत्तखंड होता है। तो यहां पर एक चाप वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, ठीक है भाई। ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, इधर से ये चाप हो गया, ये बीच में जीवा हो गई, तो इसके बीच का जो भाग होगा वही वृत्तखंड होगा। लास्ट वाला देखते हैं, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। अब ये वृत्त है, ये जिस तल पर है उस तल को कितने भागों में विभाजित कर रहा है ये भी देख लेते हैं। ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन को समझाते समय ही मैंने आपको बता दिया था। देखिए, एक तो हो गया वृत्त के अंदर यानी अभ्यंतर, एक हो गया बहिर्भाग या बाहर, और एक हो गया जैसे कोई पॉइंट हमने यहां सी ले लिया, तो ये क्या है वृत्त पर है, कहां है वृत्त पर है। तो तीन तरह से जो है तीन हिस्सों में बट गया, एक तो अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा और एक वृत्त पर है, ठीक है परिधि पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि उसे तीन भागों में विभाजित करता है। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खाली स्थान भरे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या बताना है, सत्य असत्य लिखना और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। अब इसमें जो पहला वाला दे रहा है वो कह रहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम एक वृत्त खींचते हैं इस तरीके से, तो यहां पर केंद्र है O और केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, अब कोई भी बिंदु हम यहां A ले लेते हैं, यहां B ले लेते हैं, यहां C ले लेते हैं, जैसे हमने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। अब इसको अगर हम यहां पर मिलाएं या यहां पर मिलाएं या यहां पर मिलाएं, तीनों ही जगह पर या किसी भी बिंदु पर मिला लें, हर जगह पर क्या होगा, केंद्र से इसकी दूरी बराबर होगी और इसी को हम कहते हैं कि केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या ही कहलाता है। और इस तरीके से जितनी भी रेखाखंड हम खींचेंगे वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए ये हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या ही होगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, तो हम एक वृत्त खींचते हैं, अब ये तो वृत्त का केंद्र हो गया। अब अगर हम यहां कोई रेखाखंड खींच दे, एक जीवा खींचे, यहां पर कोई जीवा खींचे, यहां पर कोई जीवा खींचे, यहां पर कोई जीवा खींचे, तो क्या इन सबकी लंबाई बराबर हो जाएगी, नहीं बराबर होगी, सबकी लंबाई आपस में बराबर नहीं हो सकती है। अब यहां पे कह रहे हैं समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, तो ऐसा नहीं है, एक आध दो दो जीवाएं जैसे इधर साइड से एक यहां से समान दूरी पर या इधर साइड से हम देखेंगे तो समान दूरी पर, इस तरह से दो जीवाएं तो हो सकती हैं कि आपस में बराबर हो, लेकिन मैक्सिमम जीवाएं बराबर नहीं होंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा वाला हम देखते हैं कि यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, एक ये भी हमने 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया, एक ये भी हमने 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया, तीनों रेखाखंड हमने 10-10 सेंटीमीटर के खींचे, तो क्या हम बता सकते हैं इसमें से बड़ा कौन है, हम तो ये कहेंगे ना तीनों बराबर है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि तीन बराबर चापों में बांटा गया है तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप तो हो ही नहीं सकता, प्रत्येक भाग क्या होगा, बराबर चाप होगा, इसीलिए यह भी कथन क्या है, असत्य है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दूनी हो, वृत्त का व्यास है, बिल्कुल सही है, कैसे, देखिए ये त्रिज्या है और इसी को जब हम दुगना कर देंगे इधर साइड में, तो मैंने बताया कि एक जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, O से A क्या है, एक त्रिज्या है, O से B क्या है, ये भी एक त्रिज्या है, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये भी क्या है, व्यास है, क्योंकि ए भी जो होगा वो हम इसको 3 सेंटीमीटर मान ले तो ये भी 3 होगा, तो जो व्यास है यहां से यहां तक की जो लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो इस वजह से जो वृत्त की जो जीवा त्रिज्या से लंबाई में दुगनी होगी वो वृत्त का व्यास होगा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद का देखते हैं चौथा पांचवा, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देख लीजिए त्रिज्यखंड के विषय में कल मैंने शायद नहीं बताया था, चाप के बारे में बता दिया था। वृत्त पर केंद्र ले लेते हैं, एक त्रिज्या हमने इधर खींच ली, एक त्रिज्या हमने इधर खींच ली, ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इस तरीके से यहां पर जो बना है वो है लघु त्रिज्यखंड, और यहां वाला जो इधर वाला हिस्सा है वो है दीर्घ, ठीक, यहां से इधर का हिस्सा है दीर्घ और ये वाला हिस्सा है लघु। अब यहां पे कह रहा है जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है त्रिज्यखंड,
जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा वो वृत्तखंड होगा, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था। इस वाले क्वेश्चन में ये क्या होगा, ये त्रिज्यखंड है और ये त्रिज्याओं, दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत है, कथन गलत है। व्रत एक समतल आकृति है, जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई उबड़ खाबड़ जगह हो वहां पर हम व्रत बनाएंगे तो वो बन नहीं पाएगा। व्रत बनाने के लिए हमको एक समतल प्लेस चाहिए, जैसे ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन एरिया है, समतल जगह है, वो है सरफेस। तो इसी वजह से इस पर हम जो आकृति खींच रहे हैं इस तरीके से गोल में, वो व्रत कहलाएगी। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन फिल द ब्लैंक्स और सेकंड वाला ट्रू एंड फॉल्स दोनों हमने देख लिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि उस डाउट को भी मैं क्लियर कर सकूं। फिर देखते हैं अभी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।